अरे बेटा बात सुनो, मुझे जोहाबुद्दीन से मिलना है। मामू जोबी से? हाँ उन्हीं से मिलना। अच्छा एक सेकंड, आप यहाँ पर ठहरिए, मैं उनको बुला कर आता हूँ। थैंक यू। मेहमान है, बताओ तो सही कौन आया मिलने के लिए? मम्मी आप चलो ना, वो है। वो है। कौन है मिलने के लिए? सलाम अलैकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। लगता है पहचाना नहीं आपने मुझे। नहीं खाना पहचान लिया। बेटा तुम जाओ, तुम्हें से कब आए? मैं अभी दो दिन पहले ही। चले शुक्र है आप मुझसे नाराज नहीं है। बहन किधर है? मैं उससे मिलने आया। भाई घर में किसी की शादी चल रही है क्या? अपनी किस्मत तो भाई दुबई में भी खराब निकली। सोचा था पेट्रोल पैदा करने वाली जमीन है, पूरी दुनिया को शराब करिए, अपना भी कुछ भला हो जाएगा। लेकिन नहीं भाई, हम जैसे जाहिलों को ना वो ऊँटों को चारा डालने के लगा देते। लेकिन मैंने भी सोच लिया, देखिए जो भी कमाना है ना अपने मुल्क में कमा लो, पैरों से उम्मीद रखना ना बेवकूफी है। अच्छा भाई वो मेरी बहन को तो बुलाए, बहुत बेचैनी हो रही है उससे मिलने की। हाँ वो घर पे नहीं। अच्छा कहाँ गई है? देखा उनसे उसी दिन पिछड़ गई थी, उसके बाद में मुझे दोबारा मिली। क्या पिछड़ गई मतलब कैसे क्यों? मैं आपको सारी डिटेल बताता हूँ प्लीज। लेकिन जब मैंने आपको दुबई से फोन किया था आपने कहा था कि वो आपके साथ है और खुश है। मैंने इसलिए कहा था क्योंकि मुझे लगा कि वो मिल जाएगी। झूठ ना आपने मुझसे। बोले मेरे घर पे मेहमान है। इसका मतलब आपने उसे कबूल ही नहीं किया और आप उसको वहीं छोड़कर आ गए थे। आप मैं किस गलतफहमी में, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? धोखा दिया आपने मुझे, धोखा दिया मेरी बहन को, धोखेबाज हैं आप। मैं क्या समझता रहा आपको और आप क्या निकले? मुझे मेरी पूरी बात तो सुनने, बात सुनने के लिए बचा ही क्या है? सब कुछ तो हो गया है, अब क्या सुनाओगे मुझे? हो रहा है ये